पर्यावरण की क्या स्थिति हो रही है। पेड़ कम होते जा रहे हैं और लगभग एक आंकड़े के अनुसार कम से कम 500 करोड़ पेड़ हमको लगाने हैं इमीडिएटली, नहीं तो हमारे देश में जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे ज़मीन के नीचे जाता रहेगा। दिल्ली में जीरो वाटर हो गया है, मद्रास में 2000 फीट तक पानी नहीं है, और वो जगह भी जहाँ पर बड़ी नदियाँ निकलती हैं उन जगहों पर भी पानी धीरे धीरे ज़मीन की जो नसें हम बोलते हैं उसके नीचे चला जा रहा है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग हमारे यहाँ होती नहीं है, लोग इसके लिए अवेयर भी नहीं है, लोगों के पास जगह भी नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ के बारे में मैं एक चीज़ कहता हूँ कि वो हमें सारी ज़िंदगी देता है। मनुष्य पेड़ से सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ लेता रहता है, जाते जाते भी वो दो चार पेड़ ले जाता है अपने साथ शमशान में। वो जिस चीज़ पर बैठा है वो एक पेड़ है, जिस चीज़ से लिख रहा है वो एक पेड़ है, जिस चीज़ से वो किचन में काम कर रहा है वो एक पेड़ है। इतने सारी चीज़ें पेड़ों से हम लेते हैं। जो चीज़ खा रहा है वो एक पेड़ है, जिस चीज़ से घर सजा रहा है वो एक पेड़ है, लेकिन हम पेड़ लगाते नहीं। जब हम प्रकृति का दोहन करते चले जाएंगे और प्रकृति को देंगे नहीं, काम चलेगा कैसे? इसीलिए इस वक्त की जो स्थिति है वो अमूमन एक व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष में 5 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, तब जाकर हम पेड़ों की कमी को थोड़ा थोड़ा पूरा करना शुरू करेंगे। इसके ज़्यादा भी हमें ज़रूरत है, लेकिन कम से कम इतना होना बेहद आवश्यक है। जो कैंपेन है, ये जो अभियान है सैपलिंग भेंट करने का, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं खुद भी इस अभियान का हिस्सा बन सकूँ इसी कामना करता हूँ, और सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि बुके की जगह सैपलिंग देना शुरू करें। बुके का दौर अब हमें खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, सैपलिंग से पर्यावरण को फ़ायदा होता है। लोगों के घर भी चलते हैं, मिट्टी भी आती है, मिट्टी टूट जाए वो भी कोई फ़र्क नहीं, ज़मीन में चली जाती है, और पेड़ वह हवा पानी ये शुद्ध करता है। तो हम सब लोग इस अभियान से जुड़े, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी अपेक्षा है, और भारत बहुत जल्दी से हरा भरा हो। भारत हरा भरा होगा तो कम से कम 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है समुद्र का, और लगभग 300 से 400 किलोमीटर का जो ज़मीनी इलाका है भारत के बाहर, वह भी हरा भरा हो जाएगा, उसमें भी परेशानियां कम हो जाएंगी, क्योंकि पर्यावरण राजनीतिक बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं होता, पर्यावरण ज्योग्राफिकल भौगोलिक बाउंड्री से बंधा हुआ होता है। तो आइए हम सब लोग मिलकर सैपलिंग खरीदें, सैपलिंग भेंट करें, सैपलिंग लगाएं और खूब सारे पेड़ लगाएं। मैं यहाँ विशेष रूप से आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिनकी सदारत में, जिनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है, श्री सत्येंद्र जी और उनकी जो समिति है उत्थान समिति, उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए, और सेल्फी विद सैपलिंग्स ये जो कार्यक्रम है इसे सफल बनाना चाहिए। रौनक भी हो जाएगी, आनंद भी आ जाएगा, और देश के पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। तो मैं उत्थान समिति के सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसके चेयरमैन सत्येंद्र जी भाई को तो बहुत विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये सोचा और प्रभु ने सफल बनाए। आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो।